15 मई को नोएडा में 10th डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप एंड सिलेक्शन 2022 की प्रतियोगिता हुई। इस चैंपियनशिप में कराटे प्लेनेट गौतम बुद्ध नगर के 25 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। इस बारे में हमें मुख्य कोच संदीप सिंह तोमर व कोच कपिल नागर ने बताया कि इस चैंपियनशिप में क्षेत्र के बहुत लोगों को गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। उन्होंने सभी को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में एसटी जॉन स्कूल के 4 बच्चों को गोल्ड मेडल मिला, जिसमें कि पतला खेड़ा गांव के प्रियांशु व अभिमन्यु को भी गोल्ड मेडल मिला। हम प्रियांशु और अभिमन्यु के घर पहुंचे और उनसे बात की। हाल ही में नोएडा में कराटे चैंपियनशिप हुई, जिसमें पतला खेड़ा गांव के 2 बच्चे हैं, प्रियांशु और अभिमन्यु, दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये राधे भाटी जी हैं, इनके पुत्र हैं। कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? सेक्टर 34 नोएडा। तो कितने बच्चे उसमें शामिल हुए थे, कितने बच्चों को आपके साथ में पुरस्कार मिला है आपके स्कूल में? क्या नाम है आपके स्कूल का? सेंट जॉर्ज स्कूल। तो वहाँ पर कितने लोग जो सेलेक्ट हुए जिन्हें गोल्ड मेडल या कोई और मेडल मिला? वहाँ पर 4 सिलेक्शन हुए। हमारे नाम है चारों के, प्रियांशु चौधरी और अभिमन्यु और निखिल अनीस। तो कहाँ के रहने वाले हैं निखिल? निखिल जमालपुर। और दूसरे जो हैं? अनीस गिद्धरपुर। राधे भाटी जी, आपके बच्चों ने यहाँ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। जी जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में, इनके स्कूल के बारे में, इनके कोच के बारे में? इनके कोच अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी हमें उत्साहित किया इसके लिए। और क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, बशर्ते सुविधाएँ मिलें। और हर माँ बाप क्षेत्र का यही चाहता है कि भाई बच्चे जो है हमारे आगे बढ़ें। और बच्चों ने अच्छा किया है, मैं काफ़ी खुश हूँ, परिवार में खुशी है। और बच्चे भी हैं स्कूल में जो इनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि और भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे।